गुड इवनिंग एवरीवन। सो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बन रही हैं और मुझे लगता था कि अभी वीडियो बनाने का इसलिए बेनिफिट नहीं है क्योंकि कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड ना हो जाए, कुछ गलत फहमी डाउट ना हो जाए। तो जैसा बोला था वैसी चीज़ें हो रही हैं। अब यूपीएससी ने दोबारा से अपना न्यू नोटिफिकेशन निकाला है, नोटिफिकेशन 2.0। तो उसमें उन्होंने बोला क्या है कि यूपीएससी ने अपना एग्ज़ाम जो डेट होगी वो 5 जून को एसेस करने के बाद दोबारा से अपना न्यू नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो लेट्स कॉल इट नोटिफिकेशन 2.0। एंड तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ थी। एंड मुझे अब लगता है कि आपको एक ये भी मैं स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया हुआ है तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। 5 जून 2020 आफ्टर असेसिंग दिस सिचुएशंस, राइट। तो अब आपके पास देखो 5 जून के पास सिचुएशन असेस करेंगे, मिनिमम 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो यू डू हैव प्रॉपर टाइम। तो मैंने पहले आपको बोला था, लास्ट वीडियो में आपने यदि सुना होगा कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अपने मेंस पे फोकस रहिए इस टाइम पे ना, क्योंकि अभी सिचुएशंस बहुत वर्स्ट होने वाली है। क्यों? एम्स के डायरेक्टर्स ने भी बोला है कि अभी मई और जून पीक पर रहेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम तभी होगा जब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो सकता। कभी आप सोचते हो सीबीएसई एग्ज़ाम से कंपेयर करोगे तो यू शुड नॉट और यू मस्ट नॉट कंपेयर दिस एग्ज़ाम विद एनी सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स, राइट। तो सीबीएसई से आप कंपेयर मत करना कि उनकी डेट आ गई तो इनका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये यूपीएससी है, इसका लेवल समझो आप ना, इसकी ग्रेविटी समझो। तो ऐसे ये नहीं कराते। और अभी मैं जल्दी होगा मैं आपको कोई भी डेट बताऊँ इस तरह से, बट अभी बहुत टाइम है, बस आप एक हिंट ले लीजिए और प्रिपरेशन कीजिए अपनी। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस बैंक मेरे पास हैं तो मंथली वाइज के, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ वो क्वेश्चन बैंक्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो उसमें मेरा पर्पज रहेगा इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इन्फॉर्मेशन काम की होगी ही बिल्कुल, बट जरूरी नहीं क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, बट जो स्टेटमेंट होंगे वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है और आपसे मेरा निवेदन है, आप वीडियोस लाइक कीजिए और पॉसिबली जितना कुछ हो सकता है सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, शेयर भी कर लीजिए। और अब जो आगे वीडियोस आएंगी अब मैं थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन करूँगा और उसमें काफ़ी वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहेंगी, राइट। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।